दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले योग प्रशिक्षकों की भर्ती। इस समय कई जगह से योग प्रशिक्षकों की भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालयों से योग प्रशिक्षकों की भर्ती निकली है, ये केंद्रीय विद्यालय है जिला किन्नौर, अलग अलग विद्यालय से वैकेंसी निकली है। ये वेबसाइट वगैरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे पद हैं टीजीटी पीजीटी के पीआरटी के, और यहाँ पर एक योग शिक्षक की भी वैकेंसी है। जहाँ जैसे लिखा ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके साथ में होना चाहिए अथवा लिखा है कि 1 ईयर डिप्लोमा ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो या तो आपने ये किया हो या आपने ये किया। कैसे आवेदन करना है उसके लिए आपको वेबसाइट जाना होगा kvsangathan.nic.in, और यहाँ पर 28 ये लिखा हुआ 28 फरवरी को आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद में इनका केवल साक्षात्कार हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप लोग 1 ईयर का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे संस्थान हैं। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय आयुध उपस्कर निर्माणी हजरतपुर से भी वैकेंसी आई है और यहाँ पर उसी तरीके से जानकारी दी गई जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते। इसमें भी विभिन्न प्रकार के पद हैं और इसकी जो डेट है वही 28, और यहाँ पर 8 बजे से लेकर के 10:30 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक और योग शिक्षक की भर्ती है इसके लिए 29 फरवरी को 8:30 से लेकर के 10:30 तक रजिस्ट्रेशन करवाना है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन की ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्मेट ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों से ये वैकेंसीज आती रहती हैं। और जैसे एक और मैं बता दूं तो ये बहुत सारे नोटिफिकेशन मेरे पास 10-12 नोटिफिकेशन है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो आप लोग वहां पर जाकर के इसे देख सकते हैं। जैसे यहां से भी देखिए पंजाब से भी बठिंडा पंजाब, और ये भी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है, और यहां से भी योग टीचर की वैकेंसी आई है 25 नंबर का पॉइंट, ये देख सकते हैं आप लोग 22 नंबर का ये, और इसकी डेट 23 फरवरी है। पिंजौर हरियाणा से भी एक वैकेंसी आ गई है इस, और ये 2 दिन पहले इसका विज्ञापन जारी हुआ है। इस नोटिस में भी विभिन्न प्रकार के पद हैं, टीचर के भी पद हैं और यहाँ पर योग शिक्षक के भी पद हैं। यहाँ पर ये 4th नंबर का जो पॉइंट है इसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के पास योगा का डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो या योगा का कोई कोर्स किया हो वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय बबीना से भी वैकेंसी आई है तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर जिन विद्यार्थियों के पास डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तो वो विद्यार्थी ये कोर्स कर सकते हैं, और ये वैकेंसीज अलग अलग जगह से अक्सर आती रहती हैं। प्रयागराज में भी एक संस्थान है, जैसे ये देख सकते हैं आप लोग प्रणव क्लासेज एजुकेशन ग्रुप, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे योगा के कोर्स चलते रहते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन योगा, डिप्लोमा इन योगा, बीए इन योगा, पीएचडी इन योगा, एमए इन योगा, पीजी डिप्लोमा इन योगा, सर्टिफिकेट इन योगा। यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, आप लोग इनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इनका एड्रेस है धूमनगंज प्रीतम नगर 7355466360933681625 7। और इनका ये जो बैनर है उसमें ये लिखा है कि एक वैकेंसी है, लिखा उत्तर प्रदेश के सभी जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय व क्षेत्रीय कार्यालय एवं यूनानी अधिकारी में होगा में योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती प्रारंभ है। और इस संस्थान में कुछ और भी कोर्स चलते रहते हैं जैसे बी फार्मा, डी फार्मा और BNYS इत्यादि, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और अगली जो सूचना है वो है पुलिस भर्ती के लिए का पेपर लीक के दावों समेत परीक्षा के सभी पहलुओं की जांच के लिए समिति का गठन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ADG के नेतृत्व में बनाई आंतरिक जांच समिति। लिखा सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शनिवार और रविवार को आयोजित लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावों समेत सभी पहलुओं की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष DG रेणुका मिश्रा ने ADG सदस्य सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन कर स्पष्ट किया है कि यह समिति आगामी परीक्षाओं के लिए देखिए गुमराह करने की फिर कोशिश की गई है, उद्देश्य से गठित की गई है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक होने से लेकर के अभी तक असत्यापित सूचनाएं सामने आई हैं। ये सूचना परीक्षा होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल की गई। देखिए ऐसा है ना कि परीक्षा होने के बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है, क्योंकि उसके पहले पुष्टि नहीं हो पाती है कि ये जो पेपर वायरल हो रहा है ये सही है या गलत है। जब पेपर समाप्त हो जाएगा तभी तो पता चलेगा ना कि ये पेपर ओरिजिनल था जो वायरल हुआ था। तो ये सोचने वाली बात है भर्ती बोर्ड को
इसलिए जो सूचना है वो अक्सर बाद में प्रसारित होती है, जब पहले पेपर लीक होता है तो चीजें वायरल होती हैं, इसीलिए विद्यार्थी पहले नहीं बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है। और भर्ती बोर्ड जितने भी हैं, चाहे वो आरओ यारओ के लिए हो, लोक सेवा आयोग या भर्ती बोर्ड, ये लोग अक्सर ये क्या करते हैं कि जब परीक्षा नहीं हुई थी तो उसके पहले क्यों नहीं कहा कि पेपर लीक हो गया है, तो पहले लोग क्यों कह, जब पुष्टि ही नहीं हुई है कि ये वही पेपर है, ये तो तब पता चलता है कि जब एग्जाम हाल में बुकलेट खुलती है, उसके बाद में पता चल पाएगा कि ये वो व्हाट्सएप का पेपर और ये पेपर एक है। और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, और लोक सेवा आयोग ने भी यही बात कही थी कि ये जो बातें जो वायरल हो रही हैं पेपर लीक की, ये बात की बाद में क्यों वायरल हो रही है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का कोई मामला सामने नहीं आया, अब तो परीक्षा शुरू होने से पहले आ ही नहीं सकता मामला जब तक पुष्टि नहीं होगी, और सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि जब पेपर समाप्त हो जाए तो उसके बाद में देखा जाए, जितने भी कोचिंग संचालक हैं या परिजन हैं बच्चों के या खुद बच्चे हैं, और इसी वजह से पेपर लीक के दावों से जुड़े हर पहलू की जांच के लिए समिति गठित की गई है। समिति के कुछ केंद्रों में वितरित प्रश्न पत्रों में छपाई संबंधी त्रुटियों, प्रश्न पत्र पहुंचने में देरी, एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ की जांच भी करेगी। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है वह दोबारा परीक्षा नहीं दे सके, इसकी भी संस्तुति की गई है। भाई इस जांच का कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरीके से फर्जी जांच है, केवल तुष्टिकरण है और कुछ नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी बात और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो पूरी जो रिपोर्टिंग है ये स्पष्ट है कि इसमें ये गुमराह है, मामला गुमराह किया जा रहा है। और इसमें यहाँ पर भी लिखा हुआ कि आगामी भर्ती को लेकर के है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आगे की भर्तियों को लेकर के, ये देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा हुआ कि समिति की रिपोर्ट के अथवा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। तो ये भविष्य में होने वाली भर्तियों को लेकर के है, ऐसे ही इस भर्ती को लेकर के भी इन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे। पहले तो इस नोटिफिकेशन को लेट किया गया, ये कहा गया कि बहुत पुख्ता व्यवस्था करेंगे, हम एक अलग से ईमेल आईडी बनाई, ट्विटर हैंडल बनाया, किसी को कोई शिकायत हो तो इसमें बताएगा। फिर इन्होंने कहा कि ओटीआर करवाएंगे, फिर आवेदन लेंगे, शुचिता पूर्वक परीक्षा होगी, कोई मुन्ना भाई नहीं बैठ पाएगा। फिर इन्होंने एक बात और कही कि हाइब्रिड मोड में भर्ती करवाएंगे, पेपर कंप्यूटर में रहेगा, ओएमआर में फिलअप करना रहेगा, तो पेपर वायरल नहीं हो पाएगा। बाद में ये सब चीजें हवा हवाई हो गई और भर्ती इस तरीके से कराई गई, होम डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह परीक्षा केंद्र बनाए गए, और इस भर्ती में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई, माफ कीजिएगा, इस भर्ती में कोई भी ऐसी जो दुर्घटना बची नहीं है जो हुई ना, सॉल्वर भी खूब सारे पकड़े गए, पेपर तो बम्पर लीक ही हुआ, ब्लूटूथ डिवाइस सब कुछ हुआ। और वहीं पर लिखा कि सोमवार को पेपर लीक की एफआईआर नहीं होने के विरोध में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वैश्विक निवेश सम्मेलन के शिलान्यास समारोह में प्रदर्शन करने की घोषणा की, हालांकि उनको लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनको घर वापस छोड़ दिया। वहीं पर जो ट्विटर और सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है उसको लेकर के भी सूचना है, लिखा रविवार को परीक्षा के बाद पेपर लीक को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था। इसके बाद तमाम हैंडल से पेपर लीक होने के दावे होने लगे, इनमें से तमाम हैंडल कोचिंग संस्थाओं के नाम वाले थे, जिसके बाद भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि वे प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। वृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के बाद ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों की बोर्ड द्वारा यूपी पुलिस की मदद से जांच कराई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की वजह से ये सब चीजें हुई, इन्होंने भी सपोर्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगभग 4 मिलियन ट्वीट हुए हैं अब तक, लगभग 4 मिलियन ट्वीट, और ये ऐसे कोई कोचिंग संचालक और अखिलेश यादव या कांग्रेस नेता की वजह से नहीं हो सकता है, ये स्वफूर्त आंदोलन है, ये विद्यार्थी इसको कर रहे हैं। देख सकते हैं कई कई प्रकार की जो पोस्ट है वो, कई प्रकार के जो हैशटैग है वो ट्रेंड हो रहे हैं, यूपीपी पेपर लीक देख सकते हैं आप लोग, 2.4 मिलियन पोस्ट, आरओ यारओ को लेकर के भी ट्रेंड हो रहा है, लेकिन यहीं पर एक दबाव की राजनीति हो रही है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत समाचार की रिपोर्टिंग है, अमरोहा पुलिस भर्ती पेपर लीक पर अफवाह फैलाने वाला अरेस्ट, पुलिस ने यूट्यूबर और उसके साथी पर किया केस, प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैला रहा था युवक, पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर ललित पाठक को किया अरेस्ट, प्रश्न पत्र का लीक का साक्ष्य न मिलने पर आरोपी गिरफ्तार, अमरोहा की गजरौला पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो यहाँ पर अब आवाज भी बंद कराने की कोशिश की जाती, तो छोटे मोटे विद्यार्थी यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करके इस तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस मामले में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग, सांसद, विधायक और
बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उनके खिलाफ आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं। ये फोटो आप देख सकते हैं राहुल गांधी की, और जिसमें लिखा हुआ है आरओआर पेपर लीक और यूपीपी पेपर लीक को लेकर। मान लीजिए उसमें 1,00,000 बच्चे 100% नंबर पा गए या 10,00,000 बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50,00,000 कोई छोटा संख्या नहीं है, उनसे 5 परिवार के संस्थाएं। इसके अलावा एग्जामपुर के द्वारा पेपर लीक की बात की, रोजगार विद अंकित के द्वारा भी पेपर लीक की बात की गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई बात बुरी बात नहीं है, सभी को ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये केवल दबाव के लिए है। और अगली जो सूचना है वो है जूनियर शिक्षक भर्ती की, एडेड जूनियर की। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों ने कल प्रदर्शन भी किया था, मैंने कल आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी। विद्यार्थियों को ये कहना था कि मामला कोर्ट से शॉर्ट आउट हो गया है और अब इस भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, साथ में पदों को जोड़ा जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है कि सारी याचिकाएं खारिज हो गई, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ऐसे में जूनियर शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। बिहारी साल्वर गैंग के 2 और गुर्गे जेल भेजे गए। उत्तर प्रदेश की शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें कोई ना कोई बिहारी साल्वर न पकड़ा जाए। साल्वर यहाँ के भी पकड़े जाते हैं, वो तो चलता है, चलिए ठीक है, यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि छोटी मोटी परीक्षाओं में भी बिहार के जो बहुत सारे जो साल्वर वो भर भर के लाए जाते हैं। इसको लेकर के मैंने कई बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी भी दी है और यहाँ पर आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन लालच के कैरियर, लालच में कैरियर दांव पर लगा रहे बिहार के युवक, बिहार के साल्वर गैंग से पुलिस भी हैरान। गैंग का अब तक खुलासा नहीं हो सका और इसमें ज्यादातर बिहार के युवक ही शामिल है। लिखा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा, दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में पकड़े जाने वाले इस साल्वर में सबसे ज्यादा जो युवक वो बिहार के ही है। रातों रात लखपति बनने की इच्छा में वह अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बिहार के युवकों को साल्वर बनाने वाले गैंग से पुलिस भी हैरान है। हर परीक्षा में बिहार के साल्वर पकड़े गए हैं लेकिन गैंग का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। 60,000 सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई थी। 2,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन जो साल्वर है बिहार के थे इस परीक्षा में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। कुछ साल्वर तो हरियाणा के भी थे इस भर्ती में, जैसे लिखा कि नैनी में हरियाणा का साल्वर पकड़ा गया, दूर दूर से लाए जाते हैं साल्वर, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह भी पकड़ी गई थी। भारतीय तट रक्षक में शामिल हों, वैकेंसी आई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in, उसके बाद में भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। DSSSB से भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 1896 पद हैं नर्सिंग ऑफिसर इत्यादि के, और इसके लिए लास्ट डेट 13 मार्च है और ये वेबसाइट DSSSB.delhi.gov.in। UPPSC की एक और सूचना है, OL को छोड़ बाकी दिव्यांग का अभ्यर्थन निरस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा 2023 के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित पदों के लिए आए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन में OL उपश्रेणी को छोड़ बाकी दिव्यांग आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। इसको लेकर के UPPSC ने ये नोटिस भी जारी की है। UPPSC की बात हो रही है तो एक बात और बता दूं कि आज विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच रहे हैं और कल भी इन विद्यार्थियों ने यहाँ पर सड़क पर प्रदर्शन किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए आरओआरओ एग्जाम, जब राहुल गांधी आए थे तब भी ये विद्यार्थी गए थे और लोक सेवा आयोग आरओआरओ एग्जाम रद्द करो, ये पोस्टर आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को जानकारी दी। और वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी 17 दिन से विद्यार्थी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में। ये देखिए 20 फरवरी ये विद्यार्थी ने भेजा है, इको गार्डन लखनऊ 5 वर्ष प्रदेश सरकार के छात्र शिक्षक पासवान पाठ से त्रस्त, बेरोजगार TET CTET उत्तीर्ण प्रशिक्षित धरना करने को मजबूर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछले 5-6 साल से नहीं आई है, उसको लेकर के विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं कि नई भर्ती तो आनी ही चाहिए, साथ में प्रत्येक वर्ष जितने पद रिक्त होते हैं उतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। जिस प्रकार से SSC से UPPSC से परीक्षा कैलेंडर जारी होता है, उसी तरीके से शिक्षा विभाग से भी परीक्षा कैलेंडर जारी होना चाहिए। तो पत्थर गिरजाघर, माफ कीजिएगा, तो इको गार्डन में जो भी विद्यार्थी जाना चाहते हैं वो विद्यार्थी जा सकते हैं आज। और ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।